अस्सलाम वालेकुम, बोल न्यूज़ में खुश आमदीद। मैं हूँ गौहर इशरा और मैं हूँ अफशीन कुरैशी। हेडलाइंस आपने जाने, बुलेटिन का आगाज करेंगे। अगर आज़ाद अरकान की तादाद 90% भी हो तो भी 10% अरकान वाली जमातों को मखसूस नशस्तें मिलेंगी। चीफ जस्टिस काजी फ़ैज़ ईसा की सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के मखसूस नशस्तों के केस में रिमार्क्स। चीफ जस्टिस ने कहा कि उन्होंने आइन पर हल्फ उठाया है, सिर्फ ये देखेंगे कि आइन में क्या लिखा है। चीफ जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि आइन ये कहता है कि मखसूस नशस्तें सियासी जमात की जीती हुई नशस्त के तनासुब से ही मिलेंगी, ज़्यादा नशस्तें नहीं दी जा सकती। वकील फैसल सिद्दीकी ने वाजे किया, दलाइल दिए कि मखसूस नशस्तें तनासुब और नुमाइंदगी के असूल पर होंगी। कानून में ये नहीं लिखा कि मखसूस नशस्तों की फहरिस्त जनरल इलेक्शन से कबल जमा करानी है, जिस पर चीफ जस्टिस ने अहम रिमार्क्स दिए। कहा कि अब तक यही होता आया है कि फहरिस्त पर पहले से जमा करानी होती है और आप नया सिस्टम सामने ले आए हैं, जिस पर फैसल सिद्दीकी ने कहा कि सिस्टम नया नहीं लाए, मसला नया सामने आ गया है, इसके लिए हल भी नया ढूंढा जाएगा। जिस पर जस्टिस जमाल मंदोखिल ने अहम रिमार्क्स दिए, कहा इलेक्शन लड़ने की जहमत ना करने वाली पार्टी को मखसूस नशस्तें कैसे दी जा सकती हैं। जस्टिस इरफान सादत ने रिमार्क्स दिए कि जब सुन्नी इत्तेहाद ने इंतखाब ही नहीं लड़ा तो नशस्तें जीतने वाली बात तो ख़त्म हो गई। चीफ जस्टिस ने वाज़े किया कि आप खुद गलत तशरीह करते आए हैं तो हम क्या करें। आपको इस वक्त बताएं कि आज़ाद अरकान का ये मामला, अगर आज़ाद अरकान की तादाद 90% भी हो तो भी 10% अरकान वाली जमातों को मखसूस नशस्तें मिलेंगी। चीफ जस्टिस काजी फ़ैज़ ईसा की सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के मखसूस नशस्तों के केस में अहम रिमार्क्स सामने आए हैं। पूरा मामला इस वक्त कन्फ्यूजन का शिकार हुआ जब PTI से निशान ले लिया गया। मखसूस नशस्तों का इंतखाबी निशान ना होने से कोई ताल्लुक नहीं। इलेक्शन कमीशन तस्लीम करता है कि PTI और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल दोनों रजिस्टर्ड जमातें हैं। जस्टिस अतर मिनुल्ला के रिमार्क्स, कहा इलेक्शन पर सवालात उठाए गए जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस नहीं की, उन्हें उठा लिया गया, ये बातें सबके इल्म में हैं। क्या सुप्रीम कोर्ट इस पर अपनी आँखें बंद कर ले? अदालत ने हर गैर मुतालिका मामले पर अस्खुद नोटिस लिया, इलेक्शन पर नहीं। इंतखाबात से मुतालिक दायर दरख्वास्त सुन ली जाए तो इश्यूज हल हो जाए। इलेक्शन कमीशन ने हमारे सामने ये रखा है कि आपके कॉन्स्टिट्यूशन में ये फ्लॉ है। कभी उन्होंने आपका नोटिस इशू किया, कभी उन्होंने एट एनी स्टेज ये रेज किया हो। देखे ना, इट इज स्टिल एन इनलिस्टेड पार्टी रिगार्डलेस ऑफ वॉट एवर द कॉन्स्टिट्यूशन सेज, अनलेस the election commission has objection and issues you a notice ki aapki enlistment khatam kar de, lekin wo aaj bhi aapko ek enlisted political party mangti hai. It is the voters right that is the most important. It was for the election commission to have identified those political parties which had contested the elections as candidates of that political party, and then they should have distributed these seats in accordance with the proportional representation system. Now it appears, you see, I mean, speaking for myself, and it's a bit surprising that the election commission, rather than acting as a custodian of the rights of the people, it has assumed an adversarial position. So it was not for the parties to have approached the election commission. It was a constitutional duty, whether aapki party ko milta ya PTI ko milta, and that is still the duty of the election commission. उधर तहरीक इंसाफ अदालत उस्मा से इंसाफ के लिए पूरा उम्मीद है। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि मखसूस नशस्तें हकदारों को ही मिलेंगी। हमने बरवा के इलेक्शन कमीशन में PTI की लिस्टें जमा करा दी थी। फैसल जावेद बोले, वोटर ने निशान ढूंढ ढूंढ कर हमें वोट दिया। मखसूस नशस्तें तहरीक इंसाफ का हक है। कंवर शोजब का कहना था कि मखसूस नशस्तें किसी दूसरे को नहीं बांटी जा सकती। उम्मीद है कि जजेस आइन की हिफाजत करेंगे। पार्टी को ये सीटें मिलेगी जिस पार्टी के वोटरों ने उस पार्टी को वोट दिया है, यही हमारा मुतालबा है। हमें सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला कि ये हमारी सीटें हमारी बहनों को और हमारे नॉन मुस्लिम भाइयों को इंशाअल्लाह ताला मिलेगी। पहले एक कैंडिडेट वोटर को ढूंढता था, मैंने उसको वोट देना है, सिर्फ ये बताओ बैंगन है निशान, कोई निशान भी है, उसने इतनी मंशा को उसने इजहार किया, एक्सप्रेस किया। जो मखसूस नशस्ते हैं, ये मखसूस नशस्ते किसी खास के लिए नहीं होती, जिसे अवाम मुंतखब करता है
उसी के लिए ये मखसूस नशस्तें होती हैं। अकलीतों की और ख्वातीन की जो मखसूस नशस्तें हैं वो इंशाल्लाह उनको मिलेंगी, ये उनका राइट है। कि ये हमारा हक था, आप इसको रेवड़ियों और खैरात के तौर पर अपनी मनपसंद पार्टियों में नहीं बांट सकते थे। आज मैं कहती हूँ सुप्रीम कोर्ट को कि आप इस आवाम के लिए खड़े हों, तो फिर अब आप उनके जो रिजर्व सीट्स का राइट है उससे उनको डिप्राइव मत करें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का इस्लामाबाद के ट्रिब्यूनल की तब्दीली का ऑर्डर मुअत्तल कर दिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने अंजुम अकील से इस्तफसार किया, आपने दरख्वास्त दी है, जज साहब जानिबदार थे तो बताएं वो कैसे जानिबदार थे, उन्होंने आपकी सिफारिश नहीं मानी इसलिए आप उन्हें तब्दील कराना चाहते थे। अंजुम अकील ने कहा, मेरी गलती है कि दरख्वास्त पर बग़ैर पढ़े दस्तखत किए मुआज़रत खा हूँ, केस ट्रांसफ़र कराने के लिए दरख्वास्त दी थी, अदालत ने जज पर जानिबदारी का इल्ज़ाम लगाने पर रहनुमा मुस्लिम लीग नून अंजुम अकील को तौहीन अदालत का शो कॉज नोटिस जारी कर दिया, 7 दिन में जवाब तलब, हर समाअत पर हाज़िरी यकीनी बनाने का हुक्म देते हुए केस की समाअत 9 जुलाई तक मुलतवी कर दी। बानी पीटीआई ने अपनी नाहली के खिलाफ ज़ेरे इल्तवा अपील की जल्द समाअत के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी है, जबकि वकील अली जफर की वसादत से दायर दरख्वास्त में जवाब पेश किया गया कि बानी पीटीआई मेंबर असम्बली मुंतखब नहीं हो पा रहे, ज़ेरे इल्तवा अपील की वजह से दरख्वास्त गुजार ज़िमनी इंतखाब में हिस्सा नहीं ले सकता। इलेक्शन कमीशन के अहकाम के खिलाफ इस्लामाबाद और लाहौर हाई कोर्ट में मुकदमा ज़ेरे इल्तवा है, सुप्रीम कोर्ट में ज़ेरे इल्तवा केस की वजह से हाई कोर्ट में कार्रवाई आगे नहीं बढ़ पा रही। इस्तदा की गई कि दरख्वास्त गुजार की नाहली के खिलाफ अपील को जल्द समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। फैसलाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई के 4 मुकदमात में उमर अयूब, जरताज गुल और शिबली फराज की जमानत मंजूर कर ली। उमर अयूब ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि बजट इकोनॉमिक हिटमैन ने पेश किया, एक एक पॉइंट पर बात की जिसका हुकूमत ने जवाब नहीं दिया। शिबली फराज बोले, इस वक्त मुल्क किसी भी ऑप्शन का मुतहमल नहीं हो सकता, पूरे सिस्टम की चाबी बानी पीटीआई के पास है। बाबर अवान का कहना था कि कौम शोबाज हुकूमत से मुतमईन नहीं, चीफ जस्टिस ने दरख्वास्त है अस्खुद नोटिस लेकर सारे मुकदमे खारिज करें। जो पेश किया गया है कौमी असम्बली में वो मैंने फ्लोर ऑफ द हाउस में भी बात की थी कि ये इकोनॉमिक हिटमैन ने बजट पेश किया और ये बजट पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक इक्तसादी दहशतगर्दी हुई है। इस बजट के साथ मैंने 3 घंटे की तकरीर वहाँ पे की है, एक एक पॉइंट हकूमत की अपनी किताबों से उठा के वहाँ पे बताया, उसकी तशरीह की। मेरे कौमी असम्बली के फाजल मेंबरान भी वहाँ पे मौजूद थे। अभी तक ये 4th दिन जा रहा है हकूमत की बेंचेस की तरफ से, एक शख्स ने उसके खिलाफ कोई बात नहीं की, बल्कि उल्टा हकूमत के जो इत्तेहादी पार्टी के लोग हैं और हकूमत के अपने मेंबरान वो भी बजट के खिलाफ तकरीर कर रहे हैं। ऑपरेशन आदम इस्तेकाम साबित होगा जो पाकिस्तान को कमज़ोर करेगा। शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म नहीं बस कुर्सी पर बैठे हैं। सरबराह जीओआई मौलाना फजलुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस वाजे किया कि ये एपेक्स कमेटी क्या है, क्या पाकिस्तान इसलिए हासिल किया कि गुलामी करें, हम इस रस्म को नहीं मानते। केपी में सूरज गुरूब होते ही पुलिस थानों में बंद हो जाती है, पुलिस इतनी बेबस क्यों हो चुकी है, जबकि कहा गया कि जमहूरत और पार्लियामेंट अपना मुकदमा हार चुके। इस्तेहकाम ऑपरेशन शुरू करेंगे, ये अदम इस्तेहकाम ऑपरेशन है जो पाकिस्तान को और कमज़ोर करेंगे। शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म नहीं है, बस कुर्सी पे बैठा हुआ है, एक आईनी कुर्सी संभाली हुई है। एपेक्स कमेटी ने फैसला कर लिया। एपेक्स कमेटी क्या है? सूरज गुरूब होने के बाद पुलिस अपने थानों में बंद हो जाती है। मेरी पुलिस क्यों बेबस हो गई है? जमहूरियत अपना मुकदमा हार चुका है, पार्लियामेंट अपना मुकदमा हार चुका है। एक कौमी जज्बे के साथ, एक नई सोच के साथ हमें एक नई मंजिल मुतय्यन करनी होगी जो इस मुल्क की बका और इस मुल्क के इस्तेहकाम की ज़ामिन हो। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंटी ने ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम की मुकम्मल हिमायत के स्टेक दी, कहा तमाम स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लिया जाता है। मज़ीद जानते हैं नवाब शेर से। जी नवाब शेर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, खैबर पख्तूनख्वा ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम शुरू करने का फैसला किया गया है। हमारे साथ इस वक्त गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी साहब मौजूद है, उनसे बात करते। जी, ह्यूमन राइट्स कमीशन का कहना है कि
सूबे में वक्त से पहले हुकूमत ख़त्म करना और बरवक़्त इलेक्शन ना होने से दहशतगर्दी बढ़ी है, तो इसका ज़िम्मेदार कौन है? ह्यूमन राइट्स देखें, ह्यूमन राइट्स के किसकी आप बात करें, क्या है? और हुकूमत तो अभी तो इलेक्शन रिसेंटली हुए हैं और हुकूमतें भी आ चुकी हैं, और आप किस कौन से इलेक्शन की बात कर रहे हैं, कौन सी चीज़ की बात कर रहे हैं? और उस पर जो है देखें, इलेक्शन हुए हैं, हुकूमतें आ चुकी हैं, हुकूमतें अपना काम शुरू किया हुआ है और इंशाल्लाह ताला आगे भी चलेंगी। यहाँ पर आपके सूबे में भी देखें तो 10 साल तो पहले भी यहाँ पर ही हुकूमत थी पीटीआई की, तो पहले कौन से गुल खिला लिए जो अभी खुलेंगे? और आप देखिए सूबे का क्या हाल है, सोशल मीडिया पे एक हाल है और सोशल मीडिया से बाहर सूबे का क्या हाल है। आप एजुकेशन को देखें, आप स्पोर्ट्स को देखें, 15 साल हो गए फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं हुई, एक क्रिकेट स्टेडियम है जो कि गैराबाद पड़ो 2017 से। यूनिवर्सिटियों को जो है 3 अरब रुपये रखे हैं, आप देखें पिछले साल भी 3 अरब रुपये थे, 34 में से 26 यूनिवर्सिटियों के वाइस चांसलर्स नहीं हैं। ये सारी चीज़ें, ये क्या निगरान हुकूमत ने या माजी हुकूमत ने किए थे? इन्हीं के तोहफे दिए हुए हैं। और आप कह रहे हैं कि जी ऐसी, आज मुझे बताएं कि कौन से मेगा प्रोजेक्ट, कौन से बड़े प्रोजेक्ट आपने PSDP के लिए रखे थे? मैं तो किताब पढ़ी, मुझे तो कोई ऐसा प्रोजेक्ट रिफ्लेक्ट नहीं हुआ। ये तो मैं वज़ीर आज़म साहब को मशहूर हूँ जिन्होंने चश्मा लिफ्ट कनाल का और हमारे चकदरा दी रोड का जो है उन्होंने हमसे वादा किया। ऑपरेशन की हिमायत करते हैं जो शुरू होने वाले? ऑपरेशन की बिल्कुल हम हिमायत करेंगे, अब तमाम स्टेक होल्डर्स को जब ऑन बोर्ड लिया जाएगा। अभी आपसे मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस से बात हुई है, मैं वज़ीर आज़म साहब से बात करूंगा, प्रेसिडेंट साहब से बात करूंगा कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को और स्टेक होल्डर्स को और यहाँ की असम्बली को एतमाद में लेना पड़ेगा। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर ने जो है वो ऑपरेशन मोहम्मद जुबैर की नवाज शरीफ की जनरल बाजवा से लंदन मुलाकात की बात झूठी है से मुस्तरद करता हूँ। मोहम्मद जुबैर ऐसी बात कर गए जिससे उनको काफ़ी उलझन हो सकती है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि जनरल बाजवा की नवाज शरीफ से मुलाकात तो क्या बातचीत नहीं हुई। उन्होंने कहा कि अज़्म इस्तेहकाम कामयाब होगा, ये कौम की बका और सलामती का मामला है। बड़ी लगव बात है ये, ज़ुबैर साहब से मैं इसकी तवक्को नहीं कर रहा था, लेकिन मुझे लगता है कि ज़ुबैर साहब ने जो ये बात की है मियां नवाज शरीफ साहब के हवाले से और जनरल बाजवा के हवाले से, इससे बड़ा झूठ ही है, जस्ट लाइट थ्रू हिज टीथ। उनका ये कहना कि ये मुलाकातें लंदन में जाकर हुई हैं, ऑन वन काउंट मैं ये समझता हूँ कि मोहम्मद ज़ुबैर साहब शायद ऐसी बात कर गए हैं जिस पर उनको काफ़ी उलझन भी आ सकती है। कैसे आ सकती है? देखिए, अगर जनरल बाजवा गए होंगे जिस मुल्क में वो कह रहे हैं, लेट से वो कहते हैं कि इंग्लैंड में वो मुलाकात हुई, तो वहाँ के इमिग्रेशन के रिकॉर्ड्स में ये बात ज़रूर होगी कि जनरल बाजवा कब लैंड किए, कब गए, ऐसा कोई रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं होगा। ये बिला उन्होंने, मैं समझता हूँ कि दोनों फ्रीकैन दे रिजर्व द राइट टू इस पे खिलाफ उनको लीगल एक्शन इनिशिएट करने का हक हासिल होगा। ये एक बिल्कुल कि एक हुकूमत को एक कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से हटाया गया, उस पर ये इल्ज़ाम लगाएं कि उसकी कॉन्स्पिरेसी हुई और उसमें एक आर्मी चीफ मुलविस थे, उसमें पाकिस्तान के 3 टाइम एक्स प्राइम मिनिस्टर। और मैं आपको बिल्कुल वाजे दो टोक ये बता सकता हूँ कि जनरल बाजवा की मियाँ नवाज शरीफ साहब से कतई तौर पर कोई मेल मुलाकात तो क्या बातचीत भी नहीं हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी काबिना का अहम इजलास कल तलब कर लिया। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम पर काबिना को एतमाद मिलेंगे। ज़राए के मुताबिक इजलास में नेशनल एक्शन प्लान के एपेक्स कमेटी के फैसलों की तौसीक की जाएगी। इजलास में मुल्क की मजमू अमन अमान और मुआशी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। काबिना की जानब से आइंदा माली साल के बजट से मुतालिक बाज़ तजावीज़ को वापस लेने का फैसला भी मुतवक्के है। और अब ये जानिए, इंसानियत के लिए आपकी खिदमत लायक तहसीन है। मुल्क में सेहत के शोबे में आपकी खिदमत से पाकिस्तान मुस्तफीद हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पोलियो के खत्मे के लिए कौमी टास्क फोर्स के इजलास में बिल गेट की तारीफ, कहा कि वफाकी हुकूमत सूबाई हुकूमतों के साथ मिलकर मुल्क से पोलियो के खात्मे के लिए पुरअज़म है। पाकिस्तान में गुज़िश्ता 3 सालों में पोलियो के खात्मे के लिए माली मावनत में इजाफा हुआ। इजलास में शरीक चेयरमैन बिल गेट फाउंडेशन बिल गेट्स का कहना था कि पाकिस्तान में पोलियो का खात्मा नामुमकिन नहीं, तरजीहात को बेहतर बनाना होगा। Mr. Gates, to meet you again after we met in Riyadh, and we had a wonderful discussion over there. Your contribution towards suffering humanity, of your personal efforts in terms of your valuable contribution financially and otherwise, and Pakistan as one of those beneficiaries of your benevolence, particularly in the field of eradication of polio and of course other allied health areas, whether it's malnutrition, mother and child health care, and of course women's empowerment and so on and so forth. Fortunately, we were almost close to wiping out polio from the face of Pakistan, but then suddenly, unfortunately,
things took a negative turn. इस वक्त वजीर खजाना सेनेट में इजहार ख्याल कर रहे हैं। हमने लाई हैं, कौमी असेंबली में इन तजावीज पर गौर भी किया जाएगा। इस वक्त वजीर खजाना, पाकिस्तान में कोई मौशी बहरान नहीं, नियतों का बहरान है। दुनिया हमारा इंतजार नहीं करेगी, वक्त तेजी से गुजर जाएगा। वफाकी वजीर तालीम खालिद मकबूल सिद्दीकी का कराची में तकरीब से खिताब, बोले बांग्लादेश का ग्रोथ रेट आज 7.7% जबकि हमारा 2.6% है। भारत ने 25 से 26 करोड़ अफराद को गुर्बत से निकाला। तालीम के बगैर कोई मुआशरा तरक्की नहीं कर सकता। मुल्क अकेला और तनहा तरक्की नहीं करता है। तारीख हमें ये सिखाती है, जब करता है तो पूरा खत्ता तरक्की करता है। आज कितनी भी फिगर छुपाएं, शायद पाकिस्तान का ग्रोथ रेट 3% के आसपास है और बांग्लादेश का 7.7 है। तो या तो ये देख लें उन्होंने क्या किया, ये देख लें हम क्या करते रहे। इंडिया ने 20 साल में अपने तकरीबन 25 से 26 करोड़ लोगों को खतः गुरबत से बाहर निकाला। दुनिया हमारा इंतजार नहीं कर रही है, तेजी से वक्त दौड़ रहा है। पंजाब में वजीर आला को अलाइशें उठाना पड़ी और कराची में जियालो ने ये काम किया। वजीर आला पंजाब को चाहिए कि वो बड़े मनसूबों पर तवज्जो दें। मेयर कराची मुर्तजा बाहब की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि चाहते हैं सियासी कशीदगी को ख़त्म करके लोगों को साथ लेकर चला जाए। गुज़श्ता एक साल के दौरान KMC के अस्पतालों में बेहतरी आई है। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि मुझे एक डिक्टेटर मेयर कहा गया। का निज़ाम था वो बहुत मौसर इफ़ेक्टिव तरीके से उस निज़ाम ने काम किया और लोगों की खिदमत करने में बल्दियाती इदारे कामयाब हुए कि ये काम है बल्दियाती इदारों का। और पीपल्स पार्टी पे हमारे नाकद इल्ज़ाम लगाते हैं कि यार वज़ीर कर रहा है वो काम, वज़ीर आला कर रहा है वो कोई बड़ा सियासी लीडर कर रहा है। मैंने एम्फेसाइज ही ये बात की थी कि ये काम मेयर कर रहा था, डिप्टी मेयर कर रहा था, हमारे टाउन चेयरमैन कर रहे थे, हमारे सियासी रुफका कर रहे थे। पंजाब में ऐसा नहीं हुआ, वहाँ पर वज़ीर आला पंजाब को उतरना पड़ा। तो क्यों ना वहाँ पर भी बिलावल भुट्टो ज़रदारी की सोच वाला कोई लीडर होता जो वहाँ पर बल्दियाती इंतखाबात कराता, तो शायद अभी लाहौर में, मुल्तान में, सियालकोट में, गुजरावाला में मरियम बीबी काम नहीं कर रही होती। हम चाहेंगे कि वहाँ हंगामा ना हो, मेयर अपना बजट प्रेजेंट कर सके और उस बजट के ऊपर ऑपोजिशन हो और ट्रेजरी हो, वो मुफसिल गुफ्तगू करें, अपनी अपनी जो रिकमेंडेशन है अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू कन्वे करें और उसके बाद उसके ऊपर वोटिंग हो। कराची अगले 2 रोज तक जुज़वी हीट वेव की लपेट में रहेगा, महकमे मौसमियात ने खबरदार कर दिया। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज कहते हैं कि शहर-ए-काल में आज पारा 41 डिग्री से ऊपर जाने का इम्कान है। हवाओं का रुख तब्दील होने से गर्मी की शिद्दत ज़्यादा महसूस हो रही है, जबकि 2 रोज़ बाद दर्जा हरारत में कमी मुतवक्के है। जुलाई के पहले हफ्ते से मानसून बारिशों का सिलसिला शुरू होने का इम्कान है। से कराची में बहुत तेज़ गर्मी शुरू हुई है, 40+ चला गया था टेम्परेचर कल भी, और आज भी इम्कान ये है कि 41 या हो सकता है 42 तक भी चला जाए, 41 को क्रॉस कर सकता है आज। और इसी तरह से आने वाले कल जो है 3 दिन का दौरानिया इसका है, इसे हम जिसवी हीट वेव कह सकते हैं कराची के लिए। और उसकी वजह ये है कि जो सुबह के औकात में सुबह से लेकर दिन के 1 या 2 बजे तक कम से कम गुज़श्ता कल भी हुआ था और आज भी आने वाले कल में भी यही सिचुएशन रहने का इम्कान है कि कराची की विंड चेंज हो जाती है, जनूब मगरबी डायरेक्शन के बजाय शुमाल मगरब से डायरेक्शन हो जाती है उसकी, तो उसके बायस टेम्परेचर ज़्यादा शूट कर रहा है। इम्कान यही है कि जो इसके जुलाई के पहले हफ्ते में मानसून बारिशें बाकायदा सिंध में शुरू हो सकती हैं, उमरकोट वगैरह साइड पर पहली बारिश हो सकती है और फिर उसके बाद ग्रेजुअली कराची की तरफ और सिंध के दूसरे अज़ला की तरफ इस तरह से वो वेव बढ़ती हुई आएगी, तो जुलाई का पहला हफ्ता हम कह सकते हैं। कराची में 4 साल मासूम बच्चे को कार में बंद करके कत्ल करने के केस में मकतूल की वालिदा सामने आ गई। बेटे की मौत को कत्ल करार दे दिया। कहा हुसैन की मौत दम घुटने से हुई, 3 साल कबल मेरी बेटी को भी कार में बंद करके मारने की कोशिश की गई, इलाका मकीनों ने बचाया। गुलिस्तान जौहर में मासूम बच्चे को कार में बंद करके कत्ल का सीन। 4 साला हुसैन की वालदा की बोल न्यूज से खुसूसी गुफ्तगु, कहा बेटे की मौत कत्ल है, इससे पहले बेटी को भी कत्ल करने की कोशिश की गई। 3 साल पहले सेम इंसिडेंट मेरी बेटी के साथ किया गया, पौन घंटा वो गाड़ी में बंद रही है। हुसैन की वालदा ने ये भी बताया कि मुकदमे के मतन में लिखा गया कि गफलत की वजह से वाकया पेश आया, ऐसा कुछ नहीं लिखवाया कि इसका तफ्तीशी अफसर मेरे साथ तआवुन नहीं कर रहा। टाया और कुपी के खिलाफ FIR कटवाई, लेकिन मुझे पता लगा कि कल सुबह इनकी बेल हो गई है, क्योंकि ये गफलत की बुनियाद पर नहीं हुआ है,
ये जानबूझकर किया गया है, डेलिबरेटली हुआ है। खातून ने कहा कि उनके बेटे के कत्ल के बाद उनके जेठ ने तशद्दुद का निशाना भी बनाया, हमें इंसाफ फराहम किया जाए। और अभी जानिए सवात के इलाके मदीन में थाने पर हमला और जलाओ घेराव का मामला। सवात की इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत ने सानिया मदीन में मुलविस 40 मुलजमान को 10 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया है। पुलिस ने दो मरकजी मुलजमान को गिरफ्तार करने का दावा किया है, जबकि उफरान और मुजम्मिल दोनों भाई हैं। 20 जून को मदीन में मुश्तल मुजाहिलीन ने पुलिस स्टेशन पर हमला किया था। और खेलों की खबरों में आपको बताएंगे, कौमी टीम में शमूलियत के लिए खिलाड़ियों के डोमेस्टिक क्रिकेट में शिरकत पीसीबी ने लाजमी करार दे दी। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन अकवी की ज़ेर सदारत डोमेस्टिक क्रिकेट के हवाले से 3 घंटे तवील इजलास में अहम फैसले किए गए। क्वालिटी डोमेस्टिक क्रिकेट को फ़रोग देने के प्लान की उसूली मंजूरी दे दी गई। डोमेस्टिक क्रिकेटर्स के कॉन्ट्रैक्ट्स पर नजर सानी का फैसला भी किया गया। इसराइली बर्बरियत का जिक्र करें, आपको बताएं कि काबिज इसराइली फौज के हमलों में मजीद 47 फलस्तीनी शहीद और 121 जख्मी हो गए। अक़्वामे मुत्तहिदा के इदारे में बमबारी में भी 8 फलस्तीनी शहीद हुए हैं। शहदा की मजमू तादाद 37,627 हो गई, 86,200 से ज्यादा जख्मी हैं। रूसी दाग़िस्तान में ईसाई और यहूदी इबादतगाहों पर हमले में 15 अफराद जान बहक। नामालूम मुसल अफराद ने ईसाई यहूदी इबादतगाहों पर हमला किया, जिसमें 15 अफराद हलाक 10 से ज़ायद ज़ख्मी हुए। 2 गिरजाघरों और यहूदी इबादतगाहों की इमारतों को आग भी लगा दी गई। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में 2 हमलावर मारे गए। हलाक होने वालों में गिरजाघर का पादरी और 6 पुलिस अहलकार समेत 8 अफराद शामिल हैं, जबकि ज़ख्मियों में 10 पुलिस अहलकार शामिल हैं। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट bolnews.com। देखते रहें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।